बच्चे इसको लेकर। अबे नंदिनी रुक जा। गाइस मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग। सो सबसे पहले जाकर कार वॉश करवा लेते क्योंकि भाई हम घर वालों ने इतना ज्यादा डांट दिया कि इस कार को कभी वॉश भी करवा ले, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। तो भाई क्या हालत हो रखी है यार गाड़ी की। भाई डेली ऑफिस में गुड़गांव तक लेकर के मैं जाता हूं ना, तो उस वजह से भैया देखो कितनी ज्यादा गंदी कर रखे भैया, किसी ने हाथ वाथ लगा रखे बाहर से। और ये अपनी गाड़ी। अबे क्या चाहिए तेरे को? वीडियो बनवानी आज मैंने तगड़े वाली वीडियो बनानी, फिर जाऊंगा रजत भाई की फाइट देख। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बहादुरगढ़ तो पास ही है अपने। अपना है भाई। क्या लगता है वो भी लड़ाई अपना 1% भी ना हो। बात सही है। सो गाइस जब तक अपनी गाड़ी साफ हो रही है अपना थोड़ा रील का भी कंटेंट बना लेते हैं। सो गाइस नहा धोकर के भाई घर से तो मैं निकल रहा हूँ और भी अभी सीधा कैसे तो चलते फ्लैट पे। और भी इनकी तो डिमांड खत्म नहीं हो रही भैया, देखो सैंडविच वगैरह और भैया दूध दही ये किसने भैया तो लूज मोशन की दवा। सो गाइस मैं भी फ्लैट पे तो आ गया हूँ और भी ऊपर चलते जल्दी से। भैया आज तो मेरे पास राणा का भी फोन आ रहा है, वो भी शायद शाम को मिलने के लिए आएगा। अबे क्या हो गया भाई तेरे? बंद कर इसको। क्या हो गया भाई, तू मरने तो नहीं वाला है? तेरे को 10 लग गए हैं। इसमें क्या है? दस्त किसको लग गए हैं? Yes, मेरे को। तो सबकी वही तबियत खराब हो रही है। ड्राई फ्रूट इसके लिए मैं लेके आया था, तू किस लिए खा रही है? ऐसे कैसे ही निकलेंगे भाई तेरे बाहर। ओए यार एडेंसिक में तो मजा आया था लेकिन कुछ चैलेंज कर ले यार। सो गाइस हमने चैलेंज तो सोच लिया भाई, सबके अंदर आग लगा दूंगा। भाई ये क्या कर रहा है तू? तूने तो बोला था कि कोई चैलेंज कर ले। सो गाइस चैलेंज के लिए भाई हमने सेटअप तो कर लिया। सो गाइस ये नोट तो रखा है नकली, मैं इनके पास पेटीएम कर दूंगा अगर ये जीत जाते तो। जितना तेरे में दम होना उतना ही लगा दियो क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक मोमबत्ती बुझा दूंगा, नींबू पी लूंगा, नींबू पिला दूंगा पूरा, बिल्कुल काट के तुम्हारे मुंह में निचोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा भैया मिर्च से इनका डर लग रहा है। चल स्टार्ट कर। सो गाइस कपीश तो भाई ओरियो जीत गया यार, जिसके साथ भी ऐसा होगा ना कि बी वाली मोमबत्ती अगर जलती रहेगी फिर कुछ भी ऐसा उसको सीधा ही मिर्च खानी पड़ेगी, देख लियो। 1, 2, 3 चल। गाइस ईशान हार चुका है और अब कर रहा है बकवास। मैं क्यों हार चुका हूं? पहले मैंने बुझाई दी ना। तो तू एक चीज कर ले, या तो तू ये खा ले या फिर इनमें से कोई चीज कर ले चूज, नींबू या फिर इसमें से। ये खानी थी यार। ओए सुन जोलो चिप्स ले आया फिर वो खा लूंगा। जोलो चिप्स खा लेगा तू? सो गाइस नेक्स्ट टाइम में हम क्या हम करेंगे कि हम जोलो लेकर के आते हैं, इसको फिर देखता हूं मैं। मिर्ची खाने की प्रैक्टिस। मिर्ची आ गई तो पहले पानी पी रही है कुछ भी। हां हां रेडी 1, 2। डर क्या आ गया? हेलो नहीं डर क्या गया? हेलो जल्दी कर 1, 2, 3 चलो। एक बार तो भाई इसके हिस्से में अदरक आई थी, इसने मना कर दिया। अब ये कह रही है कि मेरे को दूसरा चांस चाहिए। ईशान को भी दूसरा चांस मिला था इसलिए इसको दूसरा चांस मिल रहा है, ठीक है ना। बट अब ये टेक्निक के साथ ये करने के लिए कह रहे हैं। चल कर ले, कोई बात नहीं बेटा तू कर ले चलो। तो गाइस पूजा के हिस्से में आ गया नींबू क्योंकि सिर्फ इससे एक ही मोमबत्ती, क्योंकि दूसरी बारी में भी अभी जल्दी से चक्कू ले गया। चलो नंदिनी भी तो थी, उसको बुला लेते हैं ना खेलने के लिए। नहीं यार उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब क्या हो गया? 2 दिन हो गए, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अजीब अजीब हरकतें, चिड़चिड़ी सी हो रही है और फिर अकेले हंसने लगती है। कभी भी हंसने लगती है, कभी भी रो जाती है। अबे ये पूछो तो बताती नहीं है, दरवाजे बंद कर देगी। अबे यार तो गाइस काफी दिन बाद ना मेरे से राणा मिलने के लिए आया है। क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया। अबे तू इतने दिन बाद आया यार? मैं काम पे बिजी था भाई। इतना ज्यादा फन आ रहा है, ऊपर देखते क्या रहेगा। सब लोग भाई शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग में एक नंबर का मजा आ रहा है भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अमरिंदा बाहुबली यानी मैं। भाई हम तो घर जा रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है? गाड़ी की चाबी दे और चल चल वापस। गाइस कपीश ना पागल हो गया भाई, यूं कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। भाई जब तेरे को चलानी नहीं आती है तो तू क्यों चला रहा है भाई? ओ गवार तू पागल है क्या? इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, भागले पीछे से हट जा भाई। मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, ये तो पागल हो गया भाई। अबे ये लाइटें कैसे होती रहती हैं यार हमेशा? ये ले बंद कर दी। अबे यार ती भाई तेरे को चलानी तो तू क्यों चला रहा है यार? याद थी मुझे जब से वो गाड़ी चलाई यार। अबे लग जा। ओए 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 मोड़ मोड़।
भाई ये मारेगा भाई आज, ये पक्का ये ठोकेगा यार। भाई जैसे ब्रेक भी नहीं लग रहे यार, क्या हुआ? अबे तू पागल, क्या क्या हो गया? थूकी क्या? अबे अबे ये क्या हो रखा? अबे ये उतरते वक्त इधर उधर हो गया, गाड़ी अच्छी चला ली और उतरते वक्त ही गिर गया, कैसे? ये तो बम्पर चोट लग गई इसकी। तो भाई चाय वाय पी करके भाई सैंडविच खा के भाई अपना तो भाई बिल्कुल पेट फुल हो गया। अब चले भाई ना, अब यार सीधा सीधा घर पे चले ना। नहीं नहीं अमित से मिलना है एक बार यार, अमित से। हाँ अमित से क्यों मिलना है तेरे को यार? उससे मिले यार, इससे मिले। अबे यार कहाँ गायब रहता है यार अमित भाई, अर्ष को ना तेरे से मिलना था भैया, कह रहा था यार अमित से मिलवा यार, बहुत दिन हो गए यार, टाइम बाद मिला है। जब लास्ट टाइम भाई जब ये मिला था उसके बाद मैं उसको 10 फोन कर ले, पता नहीं भैया कहाँ पर भाई कहाँ बिजी रहता भाई। तू ये बता, मैंने तेरी पिछली वीडियो देखी। हाँ भाई मैं उस बाबा के पास गया था भाई, जो तूने प्रॉपर सॉल्यूशन लेके ही नहीं आया। गाइस मैं उस बाबा के पास गया था और भाई मैंने बिल्कुल प्रॉपर उसको वो सब भाई सब कुछ बताया था यार, बट भाई वो चीज हुई नहीं, तो मेरी गलती क्या है? तो भैया उसको छोड़, जहाँ तुझे मैं लेके चलूंगा ना। हाँ तो तू अभी चलेगा साथ में? अभी अभी जस्ट अभी के अभी, बिल्कुल अभी के अभी। तो भाई हमारे पास भाई वो लड़की हमारे साथ नहीं है इस टाइम पे। भैया वो बहुत बड़ा भगत है महाकाल का, उसको सब पता रहता है। सब पता उसको, जैसे तो उसके सामने जाएंगे ना उसको सब पता चल जाएगा। तो चलते हैं ना अभी? तो अभी फिर मतलब इसी टाइम पे चल, बिल्कुल अभी चलते हैं, अभी नहीं अभी अभी चलते हैं अभी। भाई ये किस रास्ते पे ले आया भाई? तो किसी खेतों का रास्ता। अमित भैया कहाँ पे जा रहे हैं भाई? मैंने जो अपने तेरे पीछे एपिसोड देखे है ना, हाँ वो सब कुछ देखने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया कि अब तुझे वहाँ जाना पड़ेगा जो इसका असली काम कर सकता है। तो भाई यहाँ पे जाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत कोई नहीं होगी, सब कुछ ठीक ही होगा। बाबा की जगह पे तो आगे, पर भैया अमित ये कैसी जगह पे ले आया भाई तू? भैया पहले इन गलियों में बहुत सारा यही कष्ट था, किसी के अंदर कोई आता था किसी के अंदर कोई। अच्छा तो गांव में इकट्ठा हो गए, इसको यही जगह दे दी कि तू यही रह के इन गलियों में फिर कोई कुछ ना। अच्छा तो भाई कहाँ पे चलना है फिर? भैया मैं सीधे चला अंदर, सीधे सीधे चलते चलते 700 मीटर। भाई तू कैसी कैसी गलियों में तू ले आया यार? भैया उसका वो रहता ही तुम्हें अंदर है। अबे यार भैया भाई जी देखो भैया कितनी छोटी छोटी गलियों में ये ले आया, यहीं पे है क्या? भाई ये कैसी जगह ले आया यार तू यहीं पे? भाई बिल्कुल अंधेरा हो रखा है यार यहाँ तो। ओ भाई तपस्या कर रहे भाई फिर इनको। बाबा जी बाबा जी बाबा जी भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार। क्या हुआ जी? क्या बात है बाबा जी? हम वो एक समस्या लेकर आए थे बाबा जी। अरे मुझे पता है सारी समस्या का तुम्हारा, तो बाबा जी उसका निवारण बता कुछ तो समझा देना। मैं आपको सामान दूंगा, शमशान में डाल देना। शमशान में डाल दे उस चीज को। बाबा जी आपको पता है कि हमारे पीछे क्या चीज पड़ी हुई है? वो गंदी आत्मा है, आत्मा का निवारण मेरे पास ही है और उसके लिए मैं आपको जो सामान दूंगा, हाँ जी, शमशान घाट में डाल देना, जहाँ से वो चली थी वो नष्ट हो जाएगी। भैया बाबा जी को तो यार सब कुछ पता भाई। तो फिर बाबा जी वो जो दुल्हन का भूत है वो फिर हमारे पास कभी नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा आपके पास। बाबा जी हमने इतना ज्यादा इलाज करवा लिया बट वो फिर भी हमारे पीछे ही आ जाती है। किसके पास आए तुम? महाकाल के भक्त के पास आए हो, तो महाकाल का भक्त बता देगा, धन्यवाद हाथों हाथ कटेगा। ये लो बच्चे इसको लेकर माथे पर लगा देना। जिस बंदे को मतलब दिक्कत हो उसके लगाना है ना ये उसके माथे पर लगा देना। अच्छा अच्छा। और उसका हाथ छुआ कर जी जी शमशान घाट में डाल देना। ठीक है, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो भाई वहाँ से तो वापिस आ गए भैया बाबा के पास, कैसी कैसी गलियों में था भैया। पर भाई मेरे को यार ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। सो गाइस अपने ये गाड़ी के पास तो आ गए, अब जल्दी से चलते अपने घर की तरफ। भाई हाँ अब लेट मत कर, क्योंकि जिसके पास में तुम्हें लेके गया हूँ ना, हाँ यही इस चीज को ठीक कर सकता है। और अब तू कल पे मत छोड़े, क्योंकि उन्होंने बाबा ने बोला है कि कल या परसों कभी भी करती हो। तो भाई अभी तो यार बहुत ज्यादा लेट हो गया यार। भाई कितना भी लेट हो जाए वो काम रात को ही करना और आज ही करना है। तो भाई इस टाइम पे फिर यार वहाँ पे तो ये कह रहे कि मैं शमशान घाट भी जाऊँ इस टाइम पे। बिल्कुल भाई जाना पड़ेगा। नहीं यार अब बहुत ज्यादा टाइम लेट हो गया भाई, अब नहीं जा सकते भाई। तो इसकी मत सुन। नहीं भाई नहीं नहीं जा। अरे तो फिर मैं अकेला कैसे मैं जाऊंगा यार अमित, फिर तू चल पड़े फिर भाई से। मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू यूं कह रहा है कि अभी क्या अभी जा, और फिर तू ये मना भी तू कर रहा है यार। भाई देख मैं हर बार तेरे को बाबा के पास लेके जा सकता हूँ, इससे भी ऊपर लेके जा सकता हूँ, पर लेकिन तू अभी साथ में नहीं आएगा। साथ में नहीं। यार ये क्या यार 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 तू तो यार चल पड़े यार। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा भाई तू लेट मत कर यार, ज़्यादा लेट हो गया है। ईशान को कॉल कर, किसी को भी कॉल कर, उसके साथ जा। अबे यार चल ठीक है, तो फिर मैं एक चीज करता हूँ, पहले मैं तेरे को और फिर उसके बाद हर्ष को उतार करके फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है। अबे यार अर्षा तू तो यार चल सकता है यार। मैं नहीं, अब लेट हो गया, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ दे, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं सारा रास्ता भी ऐसा ही है, अब रास्ता देखना तू कैसा है यार। अमित के तो घर के बाहर आ गए। ठीक है भाई अमित ओके भाई मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है ना अभी करना है? हाँ जा रहा हूँ भाई बस। अरे हाँ जा रहा हूँ भाई अभी करने के लिए।